नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास पर्सन से, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, जो कि इंडिया में काफी नाम इन्होंने अगर बताया है। अगर हम बात करें स्क्वैश की, हमारे साथ रमित टंडन इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमित आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू सचिन, यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू स्क्वैश कवरेज कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, स्क्वैश पर हम बात करेंगे, बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए स्क्वैश में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जर्नी अब तक कैसे रही है, कैसे स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर हम आपकी फैमिली में देखें तो आपके फादर जो है स्क्वैश खेलना पसंद करते थे, वो खेलते भी थे, तो कैसे आप देखते हैं अब तक की अपनी जर्नी को? करेक्ट, आई मीन मेरी जर्नी हर बच्चे, हर एथलीट की जर्नी की तरह ही होती है, जो आप बचपन पे स्टार्ट करते हो। स्पोर्ट ऐसी चीज होती है जो यूजुअली अगर आप देखा जाए, जर्नी काफी छोटी उम्र से स्टार्ट होती है। बाकी प्रोफेशन और जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, वो आप हाई स्कूल, कॉलेज में पिकअप करते हैं, बट स्पोर्ट जैसी प्रोफेशन होती है आप छोटे से ही स्टार्ट कर लेते हो, क्योंकि उसको परफेक्ट करने में इतना समय लगता है कि अगर आप उस छोटी उम्र पे स्टार्ट नहीं करोगे तो बाकियों को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए भी 5-6 साल का मैं था, जैसे आपने कहा मेरे पिताजी खेलते थे क्लब में, और मैं उनको जैसे हर बच्चे अपने पिताजी माताजी की तरह बनना चाहते हैं, मैं भी उनको क्लब फॉलो करता था, देखता था वो कैसे खेल रहे हैं। और एक्चुअली तभी मैं, क्योंकि स्क्वॉश जैसा स्पोर्ट क्रिकेट तो नहीं है जो इंडिया में हर मैदान में खेली जाती है, तो उसके थ्रू मैं स्क्वॉश में इन्वॉल्व हुआ और धीरे धीरे खुद खेलने लगा, खुद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा स्क्वॉश में, और वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। वहां से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे, और धीरे धीरे हर जर्नी की तरह स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है, एंड डेस्टिनी में मैं काफी बिलीव करता हूँ। तो जैसे जैसे आगे मैं कदम पे कदम चलता गया, वैसी थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इनटू प्लेस। और हाँ, हर जर्नी की तरह प्रेशर भी होता है अचीव करने के लिए, एक्सपेक्टेशन भी होता है, और मजा भी आता है, क्योंकि अगर मजा नहीं आया तो उस जर्नी पे जाने का फायदा नहीं है। तो वही जैसे हर प्रोफेशन होता है, अभी ये भी एक प्रोफेशन की तरह ही है। बिल्कुल, 4 PSA टूर टाइटल्स आप जीत चुके हैं और 2018 में आप प्रो कैटेगरी में भी आ गए। अगर हम बात करें रैंकिंग्स की, अगर आपकी विश्व में अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 36वें नंबर पर हैं और बड़ा नाम बनाया। अगर भारत की अगर हम बात करें, आपका नाम निकलकर सामने आता है, और साथ ही अगर हम देखें सौरभ घोषाल हैं, वो रैंक 15 पर हैं इस समय, आप रैंक 36 पर हैं। मेरा सवाल ये आपसे, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें तो क्रिकेट को बहुत माना जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, आपने जब स्टार्ट किया तो ये जानकारी भी हमारे पास है कि आप भी क्रिकेट पसंद करते थे, आप भी क्रिकेट खेला करते थे, तो कैसे रुझान हुआ आपका स्क्वैश के अंदर आने का? नहीं, क्रिकेट मैं पसंद करता था, नहीं मैं अभी भी पसंद करता हूँ। इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन जैसा है, आई मीन हम सब फॉलो करते हैं। ये तो मैं झूठ बोलूंगा कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है और मैं स्क्वाश को पसंद करता हूँ। आई थिंक क्रिकेट, काफी लोग बोलते हैं कि क्रिकेट को काफी अटेंशन मिलता है, पर मैं बिलीव करता हूँ कि उसका रीजन भी है, जो जिस हिसाब से हमारी क्रिकेट टीम परफॉर्म करती है, कितने सालों से की हुई है। जैसे मैं खुद, जब हमने वर्ल्ड कप जीते इतने साल बाद, या वो T20 हो या ODI वर्ल्ड कप हो, मैंने खुद सेलिब्रेट किया, मुझे खुद इतनी खुशी हुई। तो उसके लिए आई थिंक दे डिजर्व द क्रेडिट, उसी वजह से क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट बन चुका है इंडिया में। बट आई थिंक स्क्वॉश ऑब्वियसली क्रिकेट जितना बड़ा नहीं है, पर जैसे आप देखिए अभी जैसे हमारे सरकार स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बैडमिंटन को देखिए, अभी PV सिंधु, साइना नेहवाल, अभी तो उन्होंने थॉमस कप भी जीता, मेंस टीम लक्ष्य सेन की हम बात कर लें, उन्होंने भी कप जीता है जी, वो HS प्रणॉय हो, करेक्ट। अब देखिए 5 साल पहले आपको इनके नाम भी पता नहीं होंगे, अभी नाम पता है जी, राइट? तो उस हिसाब से नीरज चोपड़ा को देखिए, तो स्पोर्ट आई थिंक इन जनरल हमारा पॉपुलेशन जो है, फ्रॉम अ स्टार लविंग नेशन इनटू अ स्पोर्ट लविंग नेशन, आपको वो ट्रेंड, मुझे वो ट्रेंड दिख रहा है, और उससे बिलीव भी है मुझे कि अगर हम स्क्वॉश भी अच्छा करें, जैसे आप बोल रहे थे मैं रैंक 36 हूँ, सौरभ 15 है, अगर हम टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में आए तो वैसे रिकग्निशन हमें भी मिल सकता है। तो आई थिंक सोसाइटी को उतना क्रेडिट देना पड़ेगा कि लास्ट कुछ साल में देखा जाए वो सब स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं,
सब सब स्पोर्ट में एथलीट जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको फेम रिकग्निशन मिल रहा है, उसके लिए जी मीडिया हो, जी बाकी कंपनीज कॉर्पोरेट्स हो, उन सबको, एवरीवन इज प्लेइंग द ओन रोल टू प्रमोट डिफरेंट एथलीट्स. और आई थिंक 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था ना, 10 साल पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, जी विराट कोहली, राहुल द्रविड़, यही प्लेयर्स को लोग जानते थे, पर अभी वो चेंज हो रहा है. तो एज एन एथलीट जो क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट खेल रहा है, मुझे वो देख के काफी खुशी होती है. बिल्कुल, आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर अगर हम बात करें आपके शुरुआती जर्नी की, तो आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी गए पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वहां पर साथ में आपने जॉब भी किया एज अ फाइनेंशियल, तो वो समय कैसा रहा, क्योंकि उस दौरान पूरी तरीके से आप हम कह सकते हैं मूव नहीं करे थे स्क्वैश की तरफ अगर हम बात करें, लेकिन तभी से आपका रुझान जो है पूरी तरीके से जो प्यार है स्क्वैश को लेकर के उस दौरान ही था, या धीरे धीरे आगे जब आपने खेलना शुरू किया तो और बढ़ा? देखिए, मैं इतना स्मार्ट नहीं था, मुझे IIT में तो एडमिशन नहीं मिलता, तो मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना पड़ा अपना जी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए. आई थिंक हमारी जो सोसाइटी है इंडिया में वो काफ़ी एकेडमिक है, और मैं वो मानता भी हूँ, ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे क्रिकेट काफ़ी बड़ा स्पोर्ट है, पर स्पोर्ट स्क्वाश जैसे या कोई छोटा स्पोर्ट में काफ़ी रिस्क होता है, इंजरी भी आ जी सकती है, करियर स्पोर्ट्समैन का काफ़ी डेंजरस रहता है. तो हैविंग अ बेसिक एजुकेशन में मैं भी बिलीव करता हूँ कि अपना कम से कम बैचलर्स डिग्री खत्म करके फिर जो करना है करो, कि स्पोर्ट के बाद भी तुम्हारे पास एक डिग्री है, एक बैकअप है. तो उस चक्कर में मैं हाई स्कूल खत्म करके मैं न्यूयॉर्क कोलम्बिया यूनिवर्सिटी गया था पढ़ाई करने, और वहाँ पे स्क्वाश टीम भी है, जी अमेरिका का स्क्वाश लेवल भी काफ़ी अच्छा है, कुछ बेस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड के वहाँ है, कोचेज वर्ल्ड के वहाँ है. तो जब मैं वो डिसीजन लिया था, ऐसे डिसीजन नहीं था कि मैं स्क्वाश छोड़ने वाला हूँ या मैं स्क्वाश नहीं खेलूंगा, वो कैलकुलेटेड डिसीजन था कि मुझे वहाँ एक अच्छा एजुकेशन और गुड स्क्वाश ट्रेनिंग मिल सकता है, वो कॉम्बिनेशन के लिए मैं वहाँ गया था. जी और काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए उस समय भी, कि थोड़ा हार्ड तो था बैलेंस करना एजुकेशन और स्पोर्ट, इजी जी कभी भी नहीं रहता, स्पेशली अमेरिका में, क्योंकि मैं काफ़ी इंडिया में फैमिली सपोर्ट हमेशा रहता है, पापा मम्मी का प्यार हमेशा रहता है, और फिर आप अचानक से अमेरिका चले जाओ और खुद रहने लगो, तो वो जी थोड़ा कल्चर शॉक था, तो मुझे भी लगा था जब मैं वहाँ पहले पहुंचा था, तो थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगा, पर मैं फिर भी आता था वापस इंडिया के लिए खेलने के लिए, जो जो बड़े चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप है, एक चेन्नई में था जो हम जी फाइनल में हारे थे इजिप्ट से, वो मैं खेलने के लिए वापस आया. तो कंट्री के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होती थी मैं हमेशा आता था खेलने के लिए. और जी स्क्वाश से ऑब्वियसली लगाव है, मैं किसी को कल ही बोल रहा था कि कोई मुझे पूछा था कि मेरा सबसे मनपसंद चीज क्या है, और मैं बोला कि स्क्वाश खेलना ही मेरा सबसे मनपसंद चीज है. जी तो वो ऑब्वियसली आप कोई और देश चले जाओ, वो आपका हॉबी या पैशन पैशन ही जी रहता है, वो चीज नहीं होता है. तो वहाँ पे भी मैं काफी ट्रेनिंग कर रहा था, काफी टॉप प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था. ग्रेजुएशन के बाद मैं वहाँ जॉब भी किया कुछ साल फाइनेंस में, और उस समय भी मैं जब टाइम मिलता था काफी ट्रेनिंग करता था, कुछ कुछ टूर्नामेंट्स भी खेलता था. तो जी मैं हमेशा स्क्वाश में, मैं कभी स्क्वाश छोड़ा नहीं, स्क्वाश जो भी मैं कर रहा था स्क्वाश ऑन द साइड चलता रहा साथ में. और फिर एशियन गेम्स के पहले लास्ट आई मीन 2018 में मैं डिसाइड किया मैं तो प्रोफेशनली खेलूंगा, और मैं वापस इंडिया आ गया जी और एशियन गेम्स की टीम में खेला जहाँ हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला. तो वही रहा मेरी जर्नी वहाँ पे स्क्वाश और पढ़ाई, स्क्वाश और जॉब के साथ. आपने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, कैसा रहा वो समय, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा था, क्योंकि गोल्ड के उसमें भी आपने रिप्रेजेंट किया भारत को। भारत के लिए खेलना हमेशा बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहता है. मैं बोलता हूँ जब आप भारत के झंडे के साथ, मेडल के साथ, जब नेशनल एंथम बैकग्राउंड में प्ले करता है, जी ऐसा फीलिंग आप मतलब मैं लाइफ में एक्सपीरियंस कभी नहीं किया हूँ, बहुत ही रेयर सा फीलिंग है. जैसे मुझे पता था इमोशनल मोमेंट होने वाला है, पर जब वो मोमेंट आता है तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल इमोशनल होता है. तो जी ऑब्वियसली काफी प्राउड फील किया मैं कि मैं नेशन के लिए कुछ कर पाया हूँ. प्रधानमंत्री जी से मिलना भी काफी स्पेशल मोमेंट था. एज एन एथलीट इन इंडिया, जब मैं छोटा था या जब मैं स्क्वाश खेल रहा था, मुझे कभी लगा नहीं कि हमें हमें हमारे देश से इतना प्यार मिलेगा, कि जी प्रधानमंत्री जी कभी बुलाएंगे कंग्रेचुलेट करने के लिए या जो भी. तो इस टाइप का गेस्चर हमारे प्रधानमंत्री से काफी मोटिवेटिंग है मेरे लिए और बाकी एथलीट्स के लिए, जी कि वो एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको काफ बहुत काम रहता है.
बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में जो उन्हें देखना पड़ता है, और वो फिर भी वक्त निकाल के अपने एथलीट्स के साथ बैठते हैं, तो काफी अच्छा फीलिंग होता है और काफी मोटिवेटिंग भी होता है कि हम वापस जाके मेहनत करें और फिर अभी आने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, उसमें भी इंडिया के लिए कुछ मेडल्स जीते हैं। जी, मैं वही जानना चाह रहा था, अब कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो है इसी महीने 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, एशियन गेम्स की बात करें, कैसी तैयारियां आपकी, क्या आपका माइंडसेट है, गेम सेट है इसको लेके? अभी मेरी तैयारी चली रही है एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गया है, वो जी कॉमनवेल्थ बिल्कुल गेम्स के बाद था सितंबर में, पर वो अभी उसका डेट हमें मिला नहीं है अभी तक, वो शायद नेक्स्ट ईयर कुछ मंथ में होगा। तो जी वो अभी फोकस बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स पे है, वो इस ईयर का बिग टारगेट है। स्क्वाश ओलंपिक्स में नहीं है, तो हमारे लिए द बिगेस्ट गेम्स एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स ही होते बिल्कुल हैं। और अभी मैं कलकत्ता में हूँ, यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, मेरी टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिजिकल ट्रेनर है, स्क्वाश कोचेस है। नेक्स्ट वीक हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है इंडियन टीम का चेन्नई में, तो मैं वहाँ उस कैंप अटेंड करूंगा। जी फ्रांस से कोच आ रहे हैं मिस्टर ग्रेगरी गॉल्टियर, जो इस कैंप में हमारे साथ होंगे, तो उनके साथ हम एक हफ्ता दो हफ्ता बिताएंगे, तैयारी करेंगे और फिर टीम निकलेगी चेन्नई से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो ऑब्वियसली तैयारी और एफर्ट डालने में कोई कमी नहीं रहेगी, हम हमेशा अपना पूरा बेस्ट ट्राई करते हैं। आई थिंक स्पोर्ट्समैन होने का मतलब ये होता है कि यू गिव योर बेस्ट, और हम जी वही करना चाहेंगे। एंड मेडल्स थोड़ा हम भगवान पे भी छोड़ देते हैं मेहनत करके, फिर जैसे होगा हम वैसे गेम्स में देखेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, एक स्क्वैश प्रोफेशनल प्लेयर का आखिर डेली रूटीन क्या होता है, क्या डाइट आप लेते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं आज जानना चाहेंगे आपसे। करेक्ट, आई मीन इन डिटेल तो थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा ये, जी क्योंकि जैसे हर हर चीज के लिए मेरे पास एक एक कोच है, जैसे एक फिटनेस ट्रेनर है, तो मैं दिन में मैं 3 से 4 सेशन करता हूँ। चार सेशन में से 2 सेशन नॉर्मली फिटनेस के रहते हैं, एक होगा स्ट्रेंथ, दूसरा होगा एंड्योरेंस बेस्ड। और उसके लिए अनवर वहाब एक फिटनेस कोच है जो मेरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। उसके अलावा स्क्वाश कोच है मेरे पास, तो 2 सेशन में करता हूँ स्क्वाश का, एक मैं अपने कोच के साथ करता हूँ जो हम अपने वीकनेसेस पे काम करते हैं, जी और दूसरा सेशन मैं किसी प्लेयर के साथ करता हूँ स्पारिंग के लिए, प्रैक्टिस मैच के लिए, ड्रिल्स के लिए। तो ऐसे दिन में 4 सेशन हो जाते हैं। उसके अलावा कभी फिजियोथेरेपी, मसाज टू रिकवर द बॉडी, क्योंकि एक्चुअली लोग सिर्फ हार्डवर्क पे फोकस करते हैं, पर अ बिग फैक्टर रिकवरी भी होती है कि अब जितना अच्छे से रिकवर कर पाओगे आप और जी मेहनत कर पाओगे। और जैसे आपने मेंशन किया, थर्ड फैक्टर है न्यूट्रिशन, तो अभी मेरा एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका नाम रायन फर्नांडो है, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, पूरा एक प्लान आता है। तो काफी डिसिप्लिन लाइफ रहना रखना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट में, स्पोर्ट एक ऐसी प्रोफेशन है जहाँ बॉडी रिलेटेड है, जी आपका जो बॉडी जैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंडेंट है आप कैसे खेलोगे कैसे नहीं खेलोगे। और उसके लिए हमें टाइम पे सोना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है, कभी कभी अपने मनपसंद चीज हम नहीं खा सकते, जी और उस हिसाब से हमें काफी प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के साथ हमारे ट्रेनिंग कैंप्स और ट्रेनिंग वीक्स पे ध्यान रखना पड़ता है। पर ओवरऑल होपफुली जब मेडल आते हैं तो हमें उतनी खुशी भी होती है, और हमें लगता है कि जितना हमने सैक्रिफाइस किया, इट्स ऑल वर्थ द सैक्रिफाइस। तो हाँ, जैसे हर लोग ऑफिस जाते हैं, वैसे ही हम सुबह से लेकर शाम तक या जी फिटनेस या फिजियोथेरेपी या स्क्वाश प्रैक्टिस उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आप यूएस में थे, वहां पर आपने जिस तरीके से जॉब भी किया, तो वो भी एक बहुत मुश्किल आपके लिए रहा था डिसीजन लेना, जॉब को क्विट करना, क्योंकि आपको शुरुआत से लगाव तो था ही, पहले हमने देखा आप क्रिकेट भी पसंद करते थे, क्रिकेट में गए, फिर स्क्वाश में आए, और उस दौरान जॉब करना, क्योंकि जॉब में भी आपके 8 से 9 या 10 घंटे पूरे जाते हैं, तो उस दौरान किस तरह की ट्रेनिंग रहती थी और कैसे आपने स्विच किया पूरी तरीके से प्रोफेशनली इसमें आने का? करेक्ट, जैसे आपने आपने सही बोला, काफी चैलेंजिंग है। आई थिंक आपको भी पता होगा, आप इंडिया में बॉर्न और ब्रॉट अप है, मोस्ट इंडियंस जी हम रिस्की ऑप्शन नहीं लेना चाहते। आई थिंक आप 95% लोग को देखोगे, जो कंफर्टेबल ऑप्शन रहेगा वो कंफर्टेबल ऑप्शन लेके खुश रहेंगे उसमें। और उसी चक्कर में मैंने भी जॉब लिया था, कि जॉब में आपका पे फिक्स रहता है, को वरी नहीं करना पड़ता, आप जाते हो ऑफिस सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, आप घर आ जाते हो, जी स्ट्रेस नहीं रहता, तो ऑब्वियसली इजियर ऑप्शन था।
और उस समय भी कॉलेज में नॉर्मल पाथ वही है जैसे जब आप भी कॉलेज किए होंगे, आपके जी सब दोस्त वगैरह प्लेसमेंट जॉब्स के लिए बिल्कुल उस कतार में लगे रहते होंगे। सेम मेरे दोस्त भी थे, वो सब जॉब्स खोज रहे थे, तो मैं भी उस खोज में लग गया। मुझे भी एक जॉब मिल गया, उनको भी मिल गया, वो भी जॉब करने लगे, मुझे लगा यही रास्ता है, मैं भी करने लगा। पर जैसे जैसे मैं जॉब करता था, मैं कंप्यूटर पर बैठा रहता था ऑफिस में, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ 8 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे मिस करने लगा वो लाइफ जहाँ कॉम्पिटिशन होती थी, जहाँ मैं इंडिया के लिए खेल रहा होता था, जी जहाँ नेशनल एंथम इन द बैकग्राउंड, अगर आप कोई मेडल जीते, तो वो सब जो था मैं उसे मिस करने लगा था। और आई मीन आई थिंक स्टूडेंट एथलीट का लाइफ जो होता है, जब मैं कॉलेज में था वहां पे भी हमें स्क्वाश और पढ़ाई दोनों बैलेंस करना पड़ता था, जी और उस तो उस समय भी काफी हार्ड वर्क होता था, तो उसका थोड़ा हैबिट था मुझे। तो जब मैं जॉब भी करने लगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक वर्क करता था, फिर मैं रात को जाके ट्रेनिंग करता था, मतलब मैं स्क्वाश छोड़ नहीं पाता था। मैं काफी बार बोला अपने आप को कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं तो कोई चैंपियनशिप खेल रहा नहीं हूँ, अभी मैं जॉब पे हूँ, 8 बजे मुझे छुट्टी मिलती है, मैं 12 बजे तक खेलता हूँ, जी उससे अच्छा दोस्तों से मिलो, घर चले जाओ। बट आई थिंक वंस एन एथलीट ऑलवेज एन एथलीट। जब जिस दिन मैं खेलता नहीं था उस दिन मेरा मन नहीं भरता था, मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी, जी इसलिए मैं फिर बैलेंस करता रहा स्पोर्ट और वर्क। और थैंकफुली मुझे उस समय भी जो लेवल पे मैं खेल रहा था काफी हाई लेवल पे था वर्क करते समय, तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं है कि मेरा लेवल लो चला गया है या मैं कंपीट नहीं कर पा रहा, मैं फिर भी इंडियन टीम में हूँ, मैं फिर भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, जी काफी जो जो टूर्नामेंट में खेल रहा था मैं अच्छा कर रहा था। तो तब मुझे लगा कि ऐसे मैं ना वर्क को जस्टिस दे रहा हूँ ना मैं स्पोर्ट को। और फिर मैंने काफी लोगों से बात की, अपने परिवार से बात की, कुछ कुछ मेंटर हैं मेरे स्क्वाश में वर्क में, उनकी जी राय ली, और उन्होंने भी कहा कि जो स्पोर्ट्समैन का लाइफ है वो काफी शॉर्ट है, आप 35, 36 मैक्सिमम 40 तक कर सकते हो, उसके बाद आपको कुछ जॉब या कुछ और करना ही पड़ेगा। तो अभी आप जॉब छोड़िए, अभी आप खेलिए, और फिर बाद में आपको जॉब का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वही जब मुझे हिट हुआ कि जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अभी वो काफी वैल्यूएबल टाइम है, जी क्योंकि वो मेरा प्राइम है ना, अभी 29 का हूँ मैं, अभी 35 तक एज अ स्पोर्ट्समैन ये मेरा प्राइम एज है। और उस चक्कर में मैंने बोला ठीक है, अब थोड़ा रिस्क लेते हैं, मैंने काफी जॉब कर लिया, एजुकेशन कर लिया, कुछ सोसाइटी के लिए कर लिया, कुछ अपने दिमाग के लिए कर लिया, अब कुछ दिल के लिए भी कर लेता हूँ। तो जी उस चक्कर में मैंने फिर स्क्वाश कमबैक किया एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में। बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी था आपका और ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के आए आप देश के लिए। बिल्कुल रमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो हम देखते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं स्क्वैश में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं, जब से आपने खेलना शुरू किया, अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें, कैसे आप देखते हैं अभी के सिनेरियो, क्या क्या आने वाले समय में भारत का, किस तरीके से आप स्क्वैश के अंदर देखते हैं भविष्य को, और बेहतर जो है प्लेयर्स इसमें आएंगे और बेहतर मेडल्स भारत को दिला सकते हैं? आई थिंक जैसे मैं आपको बोला था कि स्पोर्ट्स में मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में, जैसे हर चीज में इंडिया जैसे लोग बोलते हैं एज ए ग्रोइंग कंट्री, आप हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, वहाँ पे भी ग्रोथ जी पोटेंशियल है, आप बिजनेस वाइज देख लीजिए काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है, एजुकेशन वाइज काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है। आई फील सिमिलरली इन इंडिया स्पोर्ट भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह ही है, जैसे इंग्लैंड हो या यूएस हो, वो काफी वेल डेवलप्ड स्पोर्टिंग कंट्रीज है, जी उनके पास सिस्टम्स ऑलरेडी इन प्लेस है, इंडिया में सिस्टम्स अभी लग रहे हैं। तो अभी जितना हमने अचीव किया वो हाफ द सपोर्ट के साथ किया है, आगे जिस तरह से सपोर्ट जैसे बिग कॉर्पोरेट्स HCL हो जो मैं पहना हूँ, जी या JSW बिल्कुल, मैं हो, वही आपसे जानना चाह रहा या था कि क्या प्रॉपर स्पॉन्सरशिप भी इसके अंदर प्रॉपर मिलती है, जिस तरीके से अगर कुछ उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। करेक्ट अभी दिख रहा है जैसे HCL जैसे मैं आपको कह जी रहा था, JSW हो, अदानी हो, रिलायंस हो, वो सब स्पोर्ट्स में घुस रहे हैं, वो सब एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो मुझे लग रहा है हमारा इंडिया में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है स्पोर्ट के लिए, जी तो मुझे जो लगता है स्क्वाश में भी सिमिलरली है। अभी ऑब्वियसली जो हमारा सीनियर टीम है अभी आई थिंक बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्क्वाश है, जो हमारे करंट जो प्लेयर्स हैं, और हमें लग रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन भी उनका भी फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि
जिस हिसाब से हमारी फेडरेशन ने गेम को आगे बढ़ाया है, जिस हिसाब से स्पॉन्सर्स घुस रहे हैं हमारे स्पोर्ट के अंदर, HCL जो अभी इंडियन स्क्वॉश की स्पॉन्सर है, जिस हिसाब से वो प्रमोट कर रहे हैं प्लेयर्स को, उससे काफी साफ दिखता है मुझे कि आने वाले प्लेयर्स को भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो मुझे जब मैं 9-10 साल का था नहीं मिलता था। तो जी उस हिसाब से ऑब्वियसली जब वो 25-26 के होंगे उनको काफी एक्सपीरियंस, काफी गाइडेंस मिल सकता है। और उस डायरेक्शन से देखा जाए तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इंडियन स्क्वाश का काफी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर इंडियन स्पोर्ट का काफी स्ट्रॉन्ग है। आपसे जानना चाहेंगे आगे के क्या प्लान से, क्योंकि एक बड़ी जो है टूर्नामेंट अब आपके सामने आने वाली है कॉमनवेल्थ गेम्स की ही, क्योंकि जुलाई के एंड में शुरू होने वाली है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, टॉप वन प्लेयर की बात करें, तो अली फराग इस समय नंबर वन पे है वर्ल्ड के अंदर, और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। क्या भारत का भी हम खिलाड़ी जैसे हम उम्मीद करेंगे आप और अच्छा करें तो टॉप जो रैंकिंग्स हैं उनमें देखने को मिले जल्द से जल्द? हाँ, जैसे आप मैंने आपको बोला था, कॉमनवेल्थ गेम्स डेफिनेटली बिग टारगेट है हमारे लिए। जी हमारा जो स्पोर्ट है एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है मोस्ट ऑफ द ईयर, तो बहुत कम मौका मिलते हैं हमें एक टीम एनवायरनमेंट में खेलने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसे इवेंट है जहाँ हम एक टीम में खेलते हैं, तो उसके लिए हम काफी एक्साइटेड है। इंडिया के लिए भी होता है, जो मेडल्स हम जीतते हैं जी उससे आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में पूरी कंट्री को एक प्राउड सा फीलिंग होता है। तो हम एथलीट्स के लिए भी एक एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू द कंट्री जी और टू इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशंस, तो वो है। और जैसे आप कहा, गोल हमारा भी है कि हम मैं हूँ, सौरभ है, महेश है, बाकी जी अभय सिंह, काफी काफी प्लेयर्स हैं इंडिया में, काफी वुमेन प्लेयर्स भी है, और गोल हमारा है कि हम अली फराग जैसे प्लेयर्स के साथ बोल के टॉप रैंकिंग में जाए। जी और ऑब्वियसली मैं पर्सनली अपने लिए बोल सकता हूँ कि एक गोल मेरा भी है कि मैं वर्ल्ड के टॉप 10 में आऊँ। और आई थिंक जहाँ स्क्वाश जैसा स्पोर्ट है वो उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि हमें एक गेम चेंजर चाहिए, जी जैसे नीरज चोपड़ा फॉर जैवलिन, जो एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस करे और वो थोड़ा स्पोर्ट पॉपुलर आ जाए। तो आई थिंक हम भी उस लेवल में है कि हम में से किसी को एक थोड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, कुछ कुछ जी बड़ा करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली वो स्पोर्ट थोड़ा और बढ़ेगा। तो वो मेरा भी गोल है बिफोर रिटायरमेंट के पहले कि मैं होपफुली कुछ ऐसे कर पाऊँ कि ये स्पोर्ट को इस लेवल से एक और मुकाम पहुंचा के फिर मैं बाकी जनरेशन के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए छोड़ के जाऊँ। बिल्कुल रमित, हम चाहेंगे कि आपके सारे गोल्स भी पूरे हों और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और भारत के लिए और अच्छा आप प्रदर्शन करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और बहुत सारी जानकारी दी जो कि व्यूअर्स को, खास तौर पर जो यंग टैलेंट है उनको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सचिन, और मैं आपको भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप स्क्वाश को कवर करते हैं। और जैसे मैं कह रहा था, जो हमारे अपकमिंग स्पोर्ट्स है, या वो जैवलिन हो या बैडमिंटन हो, आप जैसे जर्नलिस्ट की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। जी क्योंकि मोस्ट लोग क्रिकेट को कवर करते हैं पर कुछ कुछ लोग बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, और होपफुली वील चैट अगेन सून। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमित हमसे बात करने के लिए।